साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक बार फिर से बड़ी हलचल हो गई है क्योंकि एक और नई रिपोर्ट आ गई और इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत कुछ नया मिल गया है। सबसे बड़ी बात, सैंपल में मिक्सअप मिल गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आप सुन रहे हैं क्योंकि सैंपल आकांक्षा दुबे की बॉडी से लिया गया था, आकांक्षा के स्पेशल पार्ट से लिया गया था, लेकिन उस स्वैब में बड़ा मिक्सअप मिला है जिसके बाद पूरी गुत्थी एक बार फिर से उलझ गई है। तो क्या है इस स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट में, क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको बताते दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये मामला वाकई उलझ गया है, कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में बड़ी खबर आ गई है। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक आकांक्षा के केस में नई रिपोर्ट आई है। जी हाँ, पहले खबर आई थी कि आकांक्षा के उस कपड़े की दुपट्टे की रिपोर्ट आई थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की रिपोर्ट में भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे, कपड़े की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हुए थे, और अब फॉरेंसिक लैब से एक और रिपोर्ट आने की खबर है। जी हाँ, लखनऊ की फॉरेंसिक लैब, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक आकांक्षा की स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है। आकांक्षा का ये स्वैब कुछ स्पेशल पार्ट के इंटरनल हिस्सों लिया गया था और ये रिपोर्ट खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में मिक्सअप की बात आ रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। आकांक्षा के स्वैब टेस्ट में दो लोगों का सैंपल होने की बात कही जा रही है और ये चौंकाने वाला मामला हो सकता है क्योंकि आकांक्षा से लिए गए स्वैब टेस्ट में किसी और का सैंपल कैसे हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि लैब में कहीं किसी और सैंपल से इसका मिक्सअप हो गया हो या फिर टेस्ट करने के दौरान कहीं कोई मिक्सअप हुआ हो, लेकिन फॉरेंसिक लैब्स में बहुत ही ज्यादा सतर्कता से बारीकता से टेस्ट किए जाते हैं। सतर्क रहने के साथ ही बेहद एक से एक बारीक चीज मिलाई जाती है, लिहाजा इस तरह की लापरवाही की संभावना नहीं है। तो वैसे में ये अगला वाला यानी कि दूसरा वाला सैंपल किसका है? आकांक्षा की बॉडी से लिए गए स्वैब में किसी और का सैंपल कैसे हो सकता है, बहुत बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक अब इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस बात की भी जांच हो सकती है कि स्वैब टेस्ट में मिक्सअप कैसे हो गया, क्या एक्चुअली किसी और का सैंपल शामिल था या फिर टेस्टिंग के दौरान ये लापरवाही हुई या फिर जानबूझकर केस को खराब करने के लिए सैंपल में किसी दूसरे का सैंपल मिक्सअप कर दिया गया, मिला दिया गया। पहले से अगर मिक्सअप होता तो फिर वो मिक्सअप किसका था, कैसे था, क्या उस रात आकांक्षा के साथ वहाँ पर कोई और था, क्या आकांक्षा को खत्म करने से पहले उसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ था। कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो गए जिनके जवाब अब तलाशने बाकी है। लेकिन हाँ, इस स्वैब टेस्ट की जांच रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। जांच रिपोर्ट में अब बवाल होता नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही स्वैब टेस्ट की इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन 25 मार्च की जो गुत्थी थोड़ी बहुत सुलझी हुई नजर आ रही थी, थोड़ी बहुत सुलझती भी दिख रही थी, तो वही गुत्थी अब पूरी तरह से उलझ गई है क्योंकि जांच रिपोर्ट ने इसे उलझा दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या ये लापरवाही से मिक्सअप हुआ या फिर बहुत बड़ा कांड इसके पीछे हो सकता है, क्या आप मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा केस में नई जांच ने हलचल बढ़ा दी है, नई तरह की जांच ने हालात बेहद ज्यादा चौंकाने वाले कर दिए हैं क्योंकि एक नई रिपोर्ट आ गई है और फॉरेंसिक लैब से एक नई रिपोर्ट आई है जो कि सूत्रों के हवाले से लीक भी हुई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि फॉरेंसिक लैब से इस बार टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की रिपोर्ट आई है। जी हां, टेंसाइल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। अब कैसे होता है टेंसाइल टेस्ट वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के मुताबिक आकांक्षा के साथ जो कपड़ा आखिरी बार था, जो पंखे से बांधा गया था, उस कपड़े की मजबूती पर सवाल खड़े तो पहले दिन से हो रहे थे, तो उसी कपड़े की मजबूती को लेकर जो टेस्ट किया गया था यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आई है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस कपड़े के आकांक्षा के वजन उठाने की पूरी क्षमता ही नहीं थी। जी हाँ, आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिपोर्ट में कहा गया है कि आकांक्षा का वो कपड़ा बेहद ज्यादा कमजोर था, वो तो हाथ से खींचने पर ही काम तमाम उसका हो रहा था और वो बहुत ज्यादा खींच रहा था, यानी कि एक साथ स्टेबल नहीं था कपड़ा, कपड़े में ताकत नहीं थी, कपड़ा एक तरह से जर्जर हो रहा था, खराब हो रहा था, यानी कि कपड़े में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी आकांक्षा का वजन सहने की।
अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कपड़े की ताकत पहचानने के लिए जानने के लिए ही किया जाता है और इसमें कपड़े को मशीन से खींचा जाता है और फिर मशीन के जरिए ही कैलकुलेशन भी किया जाता है कि कपड़ा कितनी देर तक खींचा, कितना फटा और कितना ज्यादा एक्सपेंड हुआ। और इन सारी कैलकुलेशन के बाद तय किया जाता है कि कपड़ा कितना मजबूत है, कपड़े में कितना दम है और कपड़े की एक्चुअल हालत क्या है। यानी यही आकांक्षा मामले में इस कपड़े के साथ भी किया गया। अब सूत्रों के हवाले से इस खबर ने हलचल मचा दी है। हालात ये कि कपड़ा ही जब उतना मजबूत नहीं था तो फिर तो आकांक्षा ने जो किया वो कैसे किया, और आकांक्षा ने नहीं किया तो फिर किसने किया और कब किया, कैसे कर दिया। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए जिनके जवाब अब तलाशने बेहद ज्यादा जरूरी हो गए, जिनके जवाब मिलने बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आकांक्षा की माँ मधु दुबे ने खुद कह दिया है, जो कि पहले दिन से भी कहती रही है कि हाँ आकांक्षा के साथ गलत किया गया, उसे मारा गया है, खत्म किया गया है। तो अब यहाँ पर वही चीजें वही बातें साफ साफ होती हुई नजर आ रही है और आकांक्षा दुबे की माँ ने इसीलिए कह दिया कि सब कुछ जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है और आकांक्षा केस की जांच सही तरह से आगे नहीं बढ़ रही है। अभी रिपोर्ट हालांकि सूत्रों के हवाले से आई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट गेम चेंजर साबित हो सकती है और आकांक्षा केस में गेम बदल गया तो फिर कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जिसमें समर सिंह भी शामिल है और संजय सिंह भी शामिल है, संदीप भी शामिल है और सबसे बड़ी बात मुंबई की हीरोइन अनुराधा का भी नाम इसमें शामिल है, क्योंकि मधु दुबे लगातार अनुराधा पर आरोप लगाती रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ा और नया खुलासा हुआ और इस बार आकांक्षा को खत्म करने की नई वजह सामने आ रही है। जी हाँ, अब तक तो कहा जा रहा था कि आकांक्षा की मां ने आरोप भी लगाया था कि आकांक्षा दुबे को उसके पैसे नहीं दिए गए, आकांक्षा के करोड़ों रुपए हड़प लिए गए और उसी को हड़पने के लिए, आकांक्षा का सारा पैसा अपने नाम करने के लिए, आकांक्षा से पीछा छुड़ाने के लिए ही समर सिंह ने उसे खत्म कर दिया, मार दिया। अब बड़ी खबर ये है, बड़ा अपडेट ये है कि सिर्फ अकेली एकमात्र वजह ये नहीं है, जी हाँ, जो आरोप आकांक्षा की मां ने लगाए हैं कि समर सिंह और संजय सिंह ने उनके पैसे नहीं दिए, उसे मार डाला, तो हो सकता है ये भी सच हो और हो सकता है कि आकांक्षा के पैसे के चलते उसे खत्म करने का प्लान बनाया हो। मगर अब जो सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है उसने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अब जो आकांक्षा को खत्म करने की वजह सामने आ रही है वो बेहद ज्यादा घिनौनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के कॉन्सर्ट के लिए दुबई में और अरब कंट्रीज के दौरे पर लेकर जाना चाहता था। आकांक्षा लगातार इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि पहले भी एक बार अरब कंट्रीज में कॉन्सर्ट ऐसा ही किया गया था, लेकिन वहां पर आकांक्षा के साथ बहुत ज्यादा गलत हरकतें, बदतमीजी हुई थी और इसी वजह से आकांक्षा दुबे वहां दोबारा नहीं जाना चाहती थी, मना कर रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि आकांक्षा दुबे को पता लग गया था कि वहां उसके लिए जाल बुना जा रहा है, दुबई में शेखों के साथ होने वाली लेट नाइट पार्टीज में होता है ये सभी जानते हैं, लिहाजा आकांक्षा दुबे इससे बचना चाहती थी और समर सिंह हो सकता है कि इसी को चाहता हो। आगे देखिए, समर सिंह और संजय सिंह लगातार आकांक्षा पर कॉन्सर्ट के लिए दबाव बना रहे थे, ऐसा सूत्रों का कहना है और खबर है कि दोनों के बीच की बातचीत को आकांक्षा ने सुन लिया था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक दोनों ने आकांक्षा को लेकर अलग ही प्लान बना लिया था और ये प्लान आकांक्षा को पता लग चुका था, लिहाजा अब सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इसी वजह से आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि समर और संजय के बीच वो बातचीत क्या थी, वो क्या आकांक्षा ने सुना, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ऐसा जरूर था कि बहुत घिनौना था, जो कि बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था, बहुत ज्यादा घटिया था, इसीलिए तो आकांक्षा ने इसका खुलकर विरोध किया होगा और तय है कि विरोध के साथ साथ आकांक्षा ने उनकी पोल खोलने, उनका खुलासा करने, सबके सामने बताने के लिए भी कहा होगा। लिहाजा ऐसे में कहां आकांक्षा को जिंदा रहने दिया जाता और फिर आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है और अगर ऐसा है तो इसकी पूरी पक्की जांच होनी चाहिए, इस जांच के बाद ही पूरा पता चल सकेगा कि संजय और समर सिंह ने कितना घिनौना और घटिया काम आकांक्षा के साथ किया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।